हे भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं, आज साबित हो ही गया। आई मीन सॉरी फॉर द मेलोड्रामा, लेकिन फाइनली 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 जाकर शर्लिन का जो काम है वो तमाम हो रहा है सीरियल में। कम से कम देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ऋषभ ने धक्के मार कर शर्लिन को घर से बाहर जो निकाल दिया है। लेकिन एज यू नो, ये सीरियल की वैम्प है, कब यू टर्न मार के अंदर घुस जाएंगी क्या पता। इज्जत से कह रहा हूं, तुम्हारी मॉम की वजह से। गो आउट ऑफ माई हाउस। आखिर तुम्हारी सच्चाई आ ही गई, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो ना कभी सुधरा था ना कभी सुधरेगा। जो काम सालों पहले होना चाहिए था वो काम अब हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हे प्रीता की मेहनत रंग लाई है। हे शर्लिन जो इतने सालों से घर वालों को बेवकूफ बना रही थी, वो पकड़ी तो जाती थी लेकिन 3-5 करके खुद को बचा भी तो लेती थी। लेकिन आज उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। शादी के मंडप में ऋषभ ने शर्ली और पृथ्वी के अफेयर के बारे में सबको बता दिया था, और अब वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इज्जत से कह रहा हूँ, तुम्हारी मॉम की वजह से। गो आउट ऑफ माय हाउस। यार इस बार तो कोई चांस ही नहीं ना, क्योंकि पहले हमेशा होता कि ऋषभ चुप हो जाता था या प्रीता चुप हो जाती थी। इस बार तो ऋषभ और प्रीता ने सबके सामने कह दिया है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं कि शर्लिन घर पे रुक पाए। पूरे घर वालों के सामने शर्लिन को अब ये घर छोड़ना पड़ेगा। उसने मिन्नतें की, लेकिन आज उसकी मिन्नत कोई नहीं सुनेगा, प्रीता तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर तुम्हारी सच्चाई आ ही गई, क्योंकि तुम वो इंसान हो जो ना कभी सुधरा था, ना कभी सुधरेगा। खैर अब वो कह रही है कि वो जाएगी, लेकिन बदला लेने जरूर लौटेगी। आप लोगों ने सब कुछ छीन लिया मेरा। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आप लोग खुश हो जाओगे? मैं आप लोगों की खुशियाँ छीन लूंगी, आपका सुख चैन सब छीन लूंगी। अब शर्लिन, ये तो हम भी जानते हैं, इसमें आप कोई नई बात नहीं कह रही हैं। नई बात तो तब होती ना जब आप ये कहती कि मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं लौटूंगी। अब कुंडली भाग्य सीरियल में बहुत सारे उतार चढ़ाव होने वाले हैं। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।